प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वही लॉकडाउन की वजह से 11th की रेगुलर क्लासेस नहीं चल पाई, तो जिसकी वजह से 11th क्लास के बच्चों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। और उसकी उम्मीद भी नहीं कि अभी रेगुलर क्लासेस कितने दिन बाद चलेंगी, नहीं पता। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज से मैं डेली एक वीडियो लेक्चर 11th क्लास का स्टार्टिंग से डालना शुरू करूँगा। ये जो वीडियो लेक्चर है, ये थ्योरेटिकल भी है, मीन्स से सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब नीट के लिए भी है, IIT के लिए भी है, बोर्ड्स के लिए भी है। तो जिस बच्चे को जैसे पढ़ना है वो उस तरीके से तैयारी कर सकता है। बीच बीच में मैं आपके लिए डेली जो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स भी दूंगा आपको मैं PDF फाइल की फॉर्म में, आप उसको घर पे कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो बेटा, 11th की फिज़िक्स है ना, थोड़ी ही मुश्किल होती है, डरा नहीं रहा मैं। जैसे 9th में थोड़ा परेशानी आती है, उसी तरीके से 11th में भी आती है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहली यूनिट है अपने, हम इसको यूनिट बोलते हैं, हम 11th में टोटल 10 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट जो है अपने पास अपने फिजिक्स के अंदर, तो वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके दो पार्ट हैं इस यूनिट के, एक टेक्निकल पार्ट है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा आपको, मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके चलता हूँ जहाँ से अपनी एक्चुअल में फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो वो मेन पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं करा रहा मैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट मेन पार्ट करवा रहा हूँ। तो जब अभी आप फिजिक्स को पढ़ते हो ना, तो उसमें बहुत सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आती हैं। आप मास पढ़ते हो, लेंथ पढ़ते हो, टाइम पढ़ा आपने, वेलोसिटी पढ़ा मोशन के अंदर, एक्सेलरेशन पढ़ी आपने, तो ये अलग अलग जो क्वांटिटी है इनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में है ना, देखो, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय यूजिंग दी लॉज ऑफ फिजिक्स, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब हम उस वैल्यू को मेजर कर सकें। जिस तरह मान लिया मैंने बोल दिया भाई, हम किसी को मेज़र करते हैं, मान लिया आप किसी की बॉडी का मास मेज़र करते हो, तो हम ये बोल सकते हैं इसकी कोई बॉडी आपके पास है, हम ये बोल सकते हैं इस बॉडी का मास 20 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, मतलब उसके मास को हम मेज़र कर सकते हैं, तो वो मेजरेबल क्वांटिटी है, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे हम। लेकिन अगर मान लिया हम, जिस तरह कोई बोल दे भाई इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो जो उसका जो एंगर है ना, किसी बॉडी किसी पर्सन का जो एंगर है, उसको मेजर नहीं कर सकते कि वो एंगर कितना है, उसकी यूनिट कुछ नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता वो एंगर, उसको गुस्सा आया हुआ है, तो उसको मेजर नहीं करा जा सकता। इसलिए एंगर को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते। फिजिकल क्वांटिटी की खास बात क्या है? कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय यूजिंग दी लॉज ऑफ फिजिक्स, उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की खास बात क्या होगी? इस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसको मेजर करा जा सकता है। किसका यूज करके? बाय यूजिंग दी लॉज ऑफ फिजिक्स, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटी अपने पास? मास है, लेंथ है, टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं 9th के अंदर, 10th के अंदर, मास, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन पढ़ा करते हैं हम, वेलोसिटी पढ़ा करते हैं हम, और भाई एंगल पढ़ा करते हैं हम, मैथ के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने, और भाई अलग अलग बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, 10th के अंदर पढ़ा करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा करते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा करते हैं, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली।
तो बेटा अब बात ही आती है, किसी क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका क्या है। जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो ना, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, और वो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है ना, उसको यूनिट बोलते हैं हम। अब कोई आपको बोल दे कि भाई किसी बॉडी का मास 5 मीटर है। अब 5 मीटर जो है ना, देखो पीछे मैंने बोला 5 मीटर, अब मीटर में तो हम मास को मेजर कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या होगा, मास को मेजर करने के लिए कोई ना कोई और स्टैंडर्ड बना रखा है। मीटर, मीटर तो किसके लिए स्टैंडर्ड बनाया है, लेंथ को मेजर करने के लिए बनाया है। तो मतलब हर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया गया। तो जिसमें जब हम यूनिट की बात करते हैं, मैं यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो यूनिट के बारे में मैंने बताया, यूनिट क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करोगे, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, तो कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। आप किसकी फॉर्म में उसको मेजर कर रहे हो, उसको आप किलोग्राम की फॉर्म में मेजर कर रहे हो, मीटर की फॉर्म में, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर की फॉर्म में, या रेडियन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म आप मेजर कर रहे हो, वो क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। ठीक है, मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है मेजर करने का। तो अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते कैसे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, एन यू होता है, हम इसको एन यू से बोलते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन यू। क्यू का मतलब क्या बेटा, क्यू का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने मेजर करनी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यू क्या है, यू है बेटा उसका यूनिट जो हमने उसको मेजर करना है, उसका साइज। यू का मतलब क्या है यहाँ पे, यू है यूनिट बोल दो, या फिर साइज ऑफ यूनिट बोल दो इसे, साइज ऑफ यूनिट, या फिर यूनिट बोल दो, सिंपल है, यूनिट भी बोल सकते हैं, हालांकि साइज ऑफ यूनिट है। एन का मतलब होता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको आप ऐसे समझो, देखो जिस तरह मैंने आपको बोल दिया किसी बॉडी है, कोई बॉडी है मान ले अपने पास, ये ज़ूम कर ले, मान ले कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास मैंने बोल दिया, इस बॉडी का मास अज्यूम कर ले मैंने 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम। तो ये जो एम है ना, एम तो क्या है, एम तो है फिजिकल क्वांटिटी क्यू, और ये 5 है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू एन की, 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 15 ग्राम है, कितना है, ये होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो किलोग्राम है जो पीछे यूज करा है, ये क्या है, यूनिट है, ये होगी यूनिट, मतलब कौन, यू है। तो कहने का मतलब मैंने बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा हम एन यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मैंने बोल दिया मान ले किसी बॉडी की लेंथ है, लेंथ मान ले अभी 20 मीटर है, तो एल तो लेंथ तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ये 20 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एम क्या है, यूनिट, तो क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन यू बनेगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन यू। अब एक चीज देखो जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं भी आपको यहां पे बताऊंगा, आप एक चीज सोचो, देखो यहां पे मैंने आपको बताया कि क्यू इज इक्वल टू एन यू, मैंने बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम क्यू इज इक्वल टू एन यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज सोचो, देखो ये जो मैंने लिखा कि मान लो किसी बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, क्या मैं इसको 5000 ग्राम भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम के अंदर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। मास को हमने क्या लिखा, मैंने माना कि मास जिस तरह 5 किलोग्राम है, क्या मैं इसको 5000 ग्राम भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ, चाहे मैं ये बोलूं कि बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, चाहे मैं ये बोलूं कि बॉडी का मास 5000 ग्राम है, क्या मास चेंज हुआ क्या बॉडी का, क्वांटिटी तो उतनी ही है, चाहे आप उसको 5 किलोग्राम बोल दो, चाहे 5000 ग्राम बोल दो। इसका मतलब
ये जो मास है, ये मास क्या रहा, कांस्टेंट मास कौन है, क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये मास तो कांस्टेंट रहा यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जब क्यू इज इक्वल टू एन यू पढ़ते हैं ना, तो ये क्यू तो क्या है, ये क्यू तो अपने पास कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, अगर क्यों कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं ये लिखूंगा एन यू कांस्टेंट। एन यू कांस्टेंट है, इसका मतलब जो एन है ना, उसको मैं क्या लिख दूं, कांस्टेंट बाई यू लिख दूं। यू कैन से एन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू होता है। एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब साइज ऑफ यूनिट। कहने का मतलब ये है, अगर आप यू को इंक्रीज करते हो, अगर मान लिया मैं अज्यूम करूं यहाँ पे कि इफ यू इंक्रीज, अगर हम यूनिट का साइज बढ़ाएंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इनवर्सली का मतलब यही है, यही तो हुआ यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा भाई मास 5 किलोग्राम, और इसको मैंने क्या लिखा, 5000 ग्राम लिख दिया। बात तो वही है। अब आप ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू, इसको मैंने n1 मान लिया, ये यूनिट मान ले u1 थी, ये n2 हो गया, यूनिट क्या हो गया अपने पास u2। मैंने यूनिट को चेंज कर दिया किलोग्राम से ग्राम में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप चेंज होगी, कि कहाँ से कहाँ, 5 से कितना हो गया अपने पास, 5000 ग्राम हो गया। अब एक चीज़ देखो, मैंने क्या करा यहाँ पे, यूनिट को डिक्रीज करा, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हुआ है, मतलब किलोग्राम से किस में कन्वर्ट करा, मैंने ग्राम से कन्वर्ट करा, तो कौन डिक्रीज करा, साइज ऑफ यूनिट डिक्रीज करा, मतलब यू डिक्रीज करा। अगर यू डिक्रीज करेगा तो एन बढ़ना चाहिए, एन इंक्रीज होना चाहिए। तो हुआ है यहाँ पे, मैंने 5 किलोग्राम से ग्राम बनाया है, यूनिट को डिक्रीज करा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से कितनी होगी अपने पास, 5000 होगी। कहने का मतलब है कि अगर यू डिक्रीज करेगा तो एन इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उस सब के लिए वैल्यू प्रूव होती है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, मान ले कोई बॉडी है, उस बॉडी की लेंथ मान ले, वे अज्यूम कर ले उस बॉडी की लेंथ मान ले 20 मीटर है। क्या मैं इस 20 मीटर को 2000 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूनिट को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यूनिट मीटर से सेंटीमीटर, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट आ गई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। यूनिट तो मैंने डिक्रीज करी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब है कि यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो उसका मेजरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी पार्टिकुलर बॉडी के लिए। ठीक है, ओके। अब जब हम यूनिट्स की ही बात करते हैं ना, तो अपने पास बेसिकली मेन, जब मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं ना, मैकेनिक्स का मतलब है कि जो हमने मोशन के बारे में जो 9th क्लास में पढ़ा ना, 9th क्लास में एक्चुअली हमने जो फिजिक्स पढ़ी, वो मैकेनिक्स ही पढ़ी है। काफ़ी कुछ मैकेनिक्स का पढ़ा हमने, मोशन का चैप्टर था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर था, वो मैकेनिक्स है, जो मोशन से रिलेटेड होती है वो मैकेनिक्स होती है। तो वहाँ पर 3 मेन टर्म आती हैं, 3 मेन फिजिकल क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। अब बेटा जब हम यूनिट की बात करते हैं ना, तो हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यूनिट है ना, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कौन डिसाइड करता है, तो कोई भी यूनिट हो ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो उस यूनिट को डिसाइड करने के लिए एक एजेंसी है, उसको बोलते हैं हम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स, एक ये फ्रांस में है ना, पेरिस के आसपास कोई जगह है सेवर्स करके, वहाँ पर ये एजेंसी है।
यहाँ पर वो सारे के सारे गवर्निंग बॉडी बैठती है, सारे अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट बैठते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को डिसाइड करते हैं, उस यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो जब हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिटी आपको ये पता होना होगा कि भाई यूनिट को जब हम चूज करते हैं ना, तो यूनिट को कैसे चूज करते हैं, किसी भी क्वांटिटी यूनिट बनाते कैसे हैं। जिस तरह भाई हम लेंथ की यूनिट मीटर है, मीटर क्यों माना है, मास की यूनिट को हम किलोग्राम मानते हैं, किलोग्राम की बजाय और यूनिट क्यों नहीं मानी हमने उसकी। तो मतलब हर यूनिट को चूज करने का क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है। तो वो मेन स्टैंडर्ड क्या है किसी भी यूनिट को चूज करने का, तो इसको बोलते हैं हम चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, कि भी किसी भी यूनिट को चूज करना, हमने चॉइस करनी है तो उस यूनिट को कैसे चूज करें हम, क्या स्टैंडर्ड तरीका है वो, क्या बेसिक बातें हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को चूज करते हैं। तो मेन हम चार पॉइंट बताते हैं, कई सारे पॉइंट होते हैं लेकिन मेन चार पॉइंट हैं। पहला ये होता है कि जो यूनिट हमने ली है ना, उसका साइज सूटेबल होना चाहिए, मतलब यूनिट शुड बी ऑफ ए सूटेबल साइज, यूनिट शुड बी ऑफ ए सूटेबल साइज, मतलब यूनिट का साइज सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल का मतलब होना, सूटेबल का मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आइडियल होना चाहिए। आइडियल का मतलब है कि वो जो यूनिट है ना, वो यूनिट ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए कि उसको डिस्टेंस को मेजर करने में ही दिक्कत आए, या ना वो यूनिट बहुत बड़ी होनी चाहिए। जिस तरह मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि लेंथ की जो यूनिट है ना, लेंथ लेंथ को मेजर करने की जो यूनिट है वो हम क्या मान के चलते हैं, मीटर मान के चलते हैं, ऐसा यूनिट हम मीटर बोलते हैं। अब लेंथ की तो यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है, इंच भी हो सकती है, या उससे भी छोटी यूनिट होती हैं। अब लेंथ की यूनिट किलोमीटर भी हो सकती है, माइल्स भी हो सकती है, या उससे भी बड़ी यूनिट होती है, लाइट ईयर वगैरह यूनिट होती हैं, लाइट ईयर बोलते हैं उसको हम, बहुत बड़ी यूनिट होती है। लेकिन फिर भी मीटर को ही चूज करते हैं। कारण क्या है कि इसका साइज सूटेबल है, ये ना तो बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। जिस तरह सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट होगी, किलोमीटर माइल्स वगैरह ये बड़ी यूनिट होगी। तो हमें एक आइडियल साइज लेना होता है किसी भी यूनिट का, जो अपने लिए हर तरीके से आसानी से उसको हम यूज कर सकें। तो लेंथ की यूनिट हम क्या मानते हैं, मीटर मानते हैं, जो आइडियल यूनिट है, मतलब उसका साइज क्या है, आइडियल है या सूटेबल साइज है। तो पहला करेक्टर जो हम यूज करते हैं कि किसी भी यूनिट को चूज करने के लिए, चॉइस करने के लिए, कि उसका साइज क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। सेकंड जो होगा, सेकंड जो पॉइंट है कि यूनिट है ना, यूनिट ऐसी ना हो कि जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। मींस क्या है कि जो यूनिट हमने चूज करी है ना, कि वो कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। यूनिट शुड नॉट बी चेंज्ड, यूनिट शुड नॉट बी चेंज्ड विद टाइम। टाइम के साथ साथ में यूनिट में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है, जिस तरह मान लिया हम मैं एक बेसिक की बात मानता हूँ, मान लिया हमने ये डिस्टेंस मेजर करनी है, तो एक छोटा बच्चा था, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं मोस्टली हम अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं, पैर का इस्तेमाल करते हैं कि एक पैर यहाँ रख लिया, फिर एक पैर उसके आगे आ जाएगा अपने पास इस तरीके से, ठीक है, फिर ये पैर आगे आ जाएगा, फिर ये पैर आगे आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पैर मेजर करा करते हैं कि भी एक आ गया, फिर ये दो पैर आ गए, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, छः, सात। मान लिया अपने पास ये 7 फुट के अंदर, 7 फुट के अंदर ये डिस्टेंस कवर कर ली। तो हमने ये मान लिया, मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो वो छोटा बच्चा ये मानता है कि इसकी जो लेंथ है ना, ए से लेकर बी तक की जो टोटल लेंथ है, ये मान लिया अपने पास भाई 7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ इट्स फुट है। उसके पैर का जो साइज है ना, उसका 7 टाइम अगर हम कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी। वो छोटा बच्चा ये मानता है। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा हो जाता है,
बड़ा हो जाता है वो बच्चा, तो जो उसके जो पैर का जो साइज होगा, पैर का जो साइज होगा क्या कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा होगा। अब पहले से अगर उसके पैर का साइज ज्यादा है तो जब उस लेंथ को मेजर करेगा वो, तो क्या 7 पहले 7 बार पैर रखने से वो उसने डिस्टेंस कवर करी थी, क्या अब उतने ही स्टेप्स में वो डिस्टेंस को कवर करेगा या कम स्टेप लगेंगे। अब स्टेप कम लगेंगे, कारण क्या है, उसका साइज चेंज हो गया। उसने तो ये माना था, जिसको इसको यूनिट ही बोलते हैं, उसने जब उस लेंथ को मेजर करा था ना अपने पैरों के साथ, तो उसने ये माना था उसका जो पैर है ना, एक पैर उसके एक यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर 7 यूनिट आया था, यहाँ पर यूनिट कंपैरेटिवली क्या आएंगी, कम आएंगे, क्योंकि उसके पैर का साइज बढ़ गया। हो सकता है 5 आए, हो सकता है 4 आ जाए। कहने का मतलब है कि ये आइडियल तरीका नहीं है डिस्टेंस को मेजर करने का। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो जो उसने स्टैंडर्ड लिया था ना, वो क्या करा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। पहले उसकी लेंथ कम मेजर कर रहे थे उसके पैर, अब उसके पैर क्या कर, लेंथ को ज़्यादा मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये आइडियल नहीं है, तो हमें एक ऐसी यूनिट लेनी होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। अब अगर वो बच्चा मीटर में मेजर करे ना, तो जब वो 4 साल का था, 4 ईयर्स का था, तब भी मीटर में मेजर करेगा तो मान ले अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 मीटर है, 10 मीटर था। जब वो 40 साल का हो जाएगा, अब वो डिस्टेंस को मेजर करेगा मीटर में, तो अभी भी ये कितनी होगी, 10 मीटर होगी। इसका मतलब हमें एक ऐसी यूनिट लेनी होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ना होता है कि यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो टेम्परेचर या प्रेशर, मतलब जो फिजिकल कंडीशंस होते हैं ना, उसके साथ चेंज ना हो। मतलब डू नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा जो होते हैं ना, ये सारी फिजिकल कंडीशंस हैं। ऐसा ना हो कि कोई यूनिट टेम्परेचर चेंज करने से वो यूनिट भी चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज करने से वो यूनिट भी चेंज हो जाए। मतलब यूनिट हमें एक ऐसी रखनी है जो बिल्कुल कांस्टेंट हो, फिक्स हो, जिसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर प्रेशर लाइक फिजिकल कंडीशंस, वही वैल्यू चेंज ना हो। फोर्थ जो पॉइंट है कि जो यूनिट होती है, जो भी यूनिट हम चूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कि वो इजीली अप्रोचेबल होनी चाहिए, इजीली अप्रोचेबल, अप्रोचेबल बोल दो या इसको एसेसिबल बोल दो, एसेसिबल मतलब यूनिट जो होगी ना वो ऐसी होनी चाहिए कि अपने रीच में हो, वो हमें आती हो, हमें पता हो कि इसकी हेल्प से हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करना है। अब कोई यूनिट ऐसी हो जिसको हमें पता ही नहीं इसको मेजर कैसे करना है, तो फिर वो अप्रोचेबल नहीं है अपने लिए। हमें एक ऐसी यूनिट का यूज़ करना होता है कि जिसका हम आसानी से यूज कर सकें, इजी टू यूज हो, अप्रोचेबल बोल दो इसको, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इजी टू यूज होनी चाहिए वो यूनिट, वो एसेसिबल होनी चाहिए, जिसको हम एसेस कर सकें, हम यूज प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो ये 4 मेन पॉइंट ध्यान रखने होते हैं जब हम किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करते हैं। अब जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं अभी, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं बेटा, फंडामेंटल होंगी और एक डिराइव्ड होंगी। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड में फर्क क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेटा हम इनको बेस क्वांटिटीज भी बोल देते हैं, हम बेस क्वांटिटीज।
जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं बेटा, मैकेनिक्स मैकेनिक्स का मतलब यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मैकेनिक्स का मतलब है एक तरीके से जो मोशन रिलेटेड फिजिक्स होती है ना, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं हम। अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर तीन मेन फंडामेंटल यूनिट होती हैं। क्या क्या? मास है, लेंथ है और टाइम है। ये तीन होती हैं मैकेनिक्स के अंदर। वैसे तो सात या नौ होती हैं, मैं अलग अलग बताऊंगा आपको, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर तीन होती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी होती हैं, जिसको हमने स्टैंडर्ड माना है कि सबसे बेसिक चीज माना है हमने उसको। मतलब वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हमने किसी दूसरे से डिराइव नहीं करी हैं, उन्हीं को हमने स्टैंडर्ड माना है। तो मोस्टली हम तीन मानते हैं इनको, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं मास, लेंथ और टाइम को मैकेनिक्स के अंदर। वैसे फिजिक्स के अंदर कई सारी होती हैं, बताऊंगा आपको मैं। एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो हमने डिराइव करी हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कि द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड और ऑब्टेंड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब वो क्वांटिटी जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करके मिली है ना, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल देंगे। हम बेसिक क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं उसको हम। कैसे? जिस तरह मैंने एग्जांपल लिया, मान लिया मैंने बोला वो स्पीड। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड के बारे में तो हमें पता है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम होती है। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मतलब कौन है? लेंथ ही तो है। लेंथ बाय में टाइम। लेंथ क्या है? कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब स्पीड जो ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमने डिराइव करा है बाय यूजिंग दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही उनको मल्टीप्लाई करके डिराइव एंड डिवाइड करके ऐड करके किसी भी किसी न किसी तरीके से हमने स्पीड बनाई है। इसका मतलब स्पीड क्या है? कि डिराइव्ड क्वांटिटीज है, क्योंकि हमें किससे ऑब्टेन हुई है? ये हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से ऑब्टेन हुई है। तो ये क्वांटिटी कौन सी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। मैंने एग्जांपल ले लिया, हम क्या पढ़ा करते हैं? हम पढ़ा करते भाई एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या हुआ करता था? अगर आपको याद हो, एक्सलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, ये हुआ करता था। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है तो वेलोसिटी ही ना। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम डिवाइड बाई टाइम। तो इसको मैं क्या लिखूंगा एक्सेलरेशन को? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई में टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वेयर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ डिवाइड बाई क्या अपने पास? टाइम का स्क्वेयर। अब लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब एक्सेलरेशन को भी हमने क्या करा है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। मतलब वो क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेंड और डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करके निकालो या उसको डिवाइड करके निकालो, किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करो या उनको मल्टीप्लाई करो, उससे जो यूनिट हमें मिलेगी वो यूनिट को वो क्वांटिटी कौन सी होगी? सॉरी, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, उसी तरीके से यूनिट की बात करते हैं हम कि फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। दो टाइप की यूनिट भी होती हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपको यहाँ से। देखो जो यूनिट होते हैं ना, यूनिट यूनिट को भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो वही है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट।
डिराइव्ड यूनिट जो क्वांटिटीज थी उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट क्या होंगे, वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास को कौन रिप्रेजेंट करता है, मास को हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर की फॉर्म में, टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो यूनिट है ना, द यूनिट वी यूज्ड टू मेजर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया गया उसको क्या बोलते हैं, हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। एक होंगे डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, द यूनिट विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। जिन यूनिट्स को हमने फंडामेंटल यूनिट का यूज करके डिराइव करा है ना, उसको क्या बोलते हैं, हमें डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि भाई जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, स्पीड की स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, मीटर, मीटर में मेजर करते हैं। टाइम क्या होता है, सेकंड में मेजर करते हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बनी, वेलोसिटी की यूनिट बन गई भी मीटर पर सेकंड। अब अगर आप इस यूनिट के अंदर ध्यान से देखो तो ये यूनिट है क्या, ये यूनिट डिवीजन है एक्चुअली में दो फंडामेंटल यूनिट्स की, मीटर और सेकंड की। मीटर भी फंडामेंटल है, सेकंड भी फंडामेंटल है। तो ये यूनिट कैसी होगी, डिराइव्ड यूनिट होगी। मतलब वो यूनिट जो यूनिट हमने डिराइव करी है बाय यूजिंग दी फंडामेंटल यूनिट्स बाय डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, उसको क्या बोलेंगे, हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया भाई यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, एक यूनिट आया करते, एक फिजिकल क्वांटिटी आया करते जिसको बोला करते हम 9th क्लास में पढ़ा करते, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या हुआ करता, याद हो तो लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हुआ करता, पी इज इक्वल टू एम वी होता था। अब मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, हमने अभी डिराइव करी है, क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देखो इस यूनिट के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी का यूज करा गया है, किलोग्राम, किलोग्राम फंडामेंटल है, मीटर, मीटर फंडामेंटल है, सेकंड, सेकंड भी फंडामेंटल है। यहां पर क्या करा, दो फंडामेंटल को डिवाइड कर रखा है, एक फंडामेंटल को मल्टीप्लाई कर रखा है। तो बाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज जो यूनिट हमें मिलेगी उस यूनिट को हम क्या नाम दे देंगे, हमें डिराइव्ड यूनिट बोल देंगे बेटे। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डिराइव्ड हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ फोर्स, अगर आपको याद हो तो फोर्स क्या होता था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता था। मास की यूनिट क्या होती है, याद होता आपको किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, याद होता आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये यूनिट भी कौन सी होगी, फंडामेंटल होगी, सॉरी ये डिराइव्ड यूनिट होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगे यहाँ पे भाई, पावर है, पावर है बेटे, और वर्क डन है, वर्क डन, वर्क डन आपको याद हो तो वर्क डन क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ करता। फोर्स इंटू फोर्स की यूनिट क्या होगी, ये होगी फोर्स की यूनिट जो हमने अभी पढ़ी भाई, क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर होगी। तो वर्क डन की यूनिट क्या बन गया यहाँ से, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर बाई सेकेंड स्केयर। हालांकि उसको हम बाद में उसको जूल हमने बोला था, लेकिन वो एक एज एन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हमने उसको नाम दे रखा है। एक्चुअल में क्या होता है वो, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्केयर होता है, फोर्स इंटू। आज अपने बेटे लेक्चर 1 के अंदर हमने यही पढ़ना है, ठीक है। ये जो आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, फिर मैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जो टोटल फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ना पूरी फिजिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं, ये 7 फंडामेंटल होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और दो ये अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, दो सप्लीमेंट्री होती हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे हम। दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें कवर करें बेटा। आज का अपना यही टॉपिक है, अपने नोट्स बनाते चले जाओ अपने प्रॉपर तरीके से,
किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी आती है तो मेरे पास कॉल कर दो या व्हाट्सएप कर दो, ये मेरा नंबर होगा। ठीक है, ये लिंक आपका इस वीडियो का यूट्यूब के ऊपर मैं डाल दूंगा। मेरा चैनल है टेस्ला फिजिक्स के नाम से सर्च करना, यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी आपके पास, इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी फिर। थैंक यू।